मूवी के स्टार्ट में हमें एक जादुई जगह दिखाई जाती है, जहां पर हम एक जंगल में एक आदमी को भागते हुए देखते हैं। इस आदमी का नाम एलियोसा था। तभी वहां पर हम एक क्वीन को देखते हैं, जो एलियोसा को अपने मैजिक से एक पत्थर का बना देती है, यानी कि उसको स्टोन में कन्वर्ट कर देती है। दरअसल इस क्वीन का यह मकसद था कि वो एक मैजिकल जगह को ढूंढना चाहती थी और एलियोसा को ये सब कुछ पता था, लेकिन एलियोसा उस जगह को प्रोटेक्ट करना चाहता था और वो क्वीन को नहीं बताना चाहता था, तो क्वीन ने उसको पत्थर का बना दिया। यहीं पर हम एलियोसा के एक साथी को भी देखते हैं, जो क्वीन से किसी तरह बचकर पानी में कूद जाता है, और तभी हम देख पाते हैं कि कैसे क्वीन ने बहुत सारे लोगों को पत्थर का बनाया है। इसके बाद हम मूवी में मेन कैरेक्टर इवान को देखते हैं, जो कि एक मैजिशियन था और वो बचपन से ही अपनी फैमिली से अलग रहता था, जिसके बारे में हम थोड़ा आगे जानेंगे। इवान डिफरेंट किस्म के रिचुअल परफॉर्म कर लोगों को एंटरटेन करता था और यही उसका प्रोफेशन है। वही इवान अपना शो खत्म करके घर की तरफ जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसको एक बूढ़ी लेडी मिलती है, जो उसको कहती है कि जल्द ही तुम एक दूसरी दुनिया में जाने वाले हो। इवान उस बूढ़े लेडी की बात को इग्नोर कर देता है और घर पर आ जाता है। हम देखते हैं कि इवान अपने घर पर अकेला ही रहता था, सिर्फ एक मेड थी जो उसके घर का ख्याल रखा करती थी। अगले दिन इवान एक लेडी के साथ मीटिंग थी। इवान उस लेडी को बताता है कि उसके घर पर कोई ब्लैक एनर्जी है और उस ब्लैक एनर्जी की वजह से ही उसके हस्बैंड उसको चीट कर रहे हैं। अब इवान उस ब्लैक एनर्जी को हटाने के लिए उस लेडी के घर पर रिचुअल परफॉर्म करता है और उसके बदले में वह लेडी इवान को बहुत ज्यादा पैसा देती है। अब इवान के मैजिक के बारे में सुनकर एक दिन एक लेडी डॉक्टर उसे कॉन्टेक्ट करती है और बताती है कि उसका एक पेशेंट एक छोटा सा बच्चा है, जो कि बहुत टाइम से कोमा में है, और सभी डॉक्टर्स ने बहुत ज्यादा कोशिश की उसको हाउस में लाने की, लेकिन कोई भी मेडिसिन उस बच्चे पर असर नहीं कर रही है। वो लेडी डॉक्टर इवान से कहती है कि वो कोई रिचुअल परफॉर्म करे जिसकी वजह से वो बच्चा हाउस में आ जाए। इवान जब उस बच्चे को देखता है तो कहता है कि वो उस बच्चे को ठीक नहीं कर सकता और वहाँ से जाने लगता है। इवान को उस बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। तभी उसको अपना बचपन का टाइम याद आता है, जब वो बहुत ही ज्यादा छोटा था और फनीस में रहा करता था। वहाँ पर कुछ बच्चों ने उसको तंग करने के लिए एक रूम में बंद कर दिया था, मगर इवान ने एक पिन की सहायता से उस स्टोर को खोल लिया था और वो पिन आज भी इवान के पास है और वो उस पिन को अपने लिए आज भी बहुत ज्यादा लकी समझता है। जब वो एक दिन रेस्टोरेंट में बैठा होता है तो वहाँ पर उस लेडी का हस्बैंड आ जाता है, जिसके घर में इवान ने रिचुअल परफॉर्म किया था। इवान उस आदमी के गार्ड्स को देखकर उसके इरादे को समझ जाता है और फौरन वहाँ से उठकर भागने लगता है, और इसी चक्कर में वो एक स्लाइड में आ जाता है। मगर वहाँ पर हैरानी वाली बात ये होती है कि जब वो दूसरी स्लाइड से निकलता है तो वो एक जंगल में पहुँच जाता है। इवान जब वहाँ पर आ जाता है तो वो हैरानी से हर चीज को देखने लगता है। इससे पहले इवान वहाँ पर आकर कुछ समझ पाता, तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसको हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जो क्वीन से बचकर भाग गया था। वो आदमी इवान को बताता है कि वो अब दूसरी दुनिया में है, और वो इवान को ये भी बताता है कि उसके पेरेंट्स ने ही उसको छुपाने के लिए कहा था, लेकिन उसकी बातों को इवान समझ नहीं पाता। तभी वहाँ पर वो एक मैजिक देख कर हैरान हो जाता है। तभी वो बूढ़ा आदमी इवान को एक रिंग देता है और कहता है कि उसे इस जगह को बचाना होगा। अब इससे पहले कि इवान उस बूढ़े आदमी से कुछ पूछता, वहाँ पर एक एरो आकर उस बूढ़े आदमी को लग जाता है, जिसकी वजह से उस बूढ़े आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है। वहाँ पर कुछ गार्ड्स आते हैं जो घोड़े पर बैठे हुए थे। वो गार्ड्स इवान को अपने किंग के पास ले जाते हैं। तभी किंग इवान के हाथ में वो रिंग देखता है। वो किंग इवान को कुछ भी नहीं कहता और उसके बंधे हुए हाथों को खोल देता है। वो किंग इवान को बताता है कि वो उसका भाई है जो बचपन में खो गया था। वो किंग इवान से मिलकर बहुत ज्यादा खुश था और वहाँ पर वो सभी लोगों को इवान से इंट्रोड्यूस करवाता है। यहीं पर वो इवान को उस क्वीन से भी मिलवाता है, जिस क्वीन को हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जिसने एलियोसा को अपने मैजिक से पत्थर बना दिया था। वही क्वीन इवान को कैसल दिखाने के लिए ले जाती है और धोखे से उसको कैद खाने में बंद कर देती है। उस कैद खाने में इवान कोसी नाम के एक आदमी से मिलता है, जिसके बॉडी पार्ट्स को अलग अलग आइस में ट्रैप किया हुआ था। वो आदमी इवान से कहता है कि मुझे पता है कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। इवान उस आदमी से पूछता है कि मेरे यहां आने की क्या वजह है। वो आदमी इवान से कहता है कि तुम एलियोसा के बेटे हो
जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ पर लाया गया है। तभी उनकी बातों के दौरान वहाँ पर एक और कैदी को भी लाया जाता है जो कि एक विच होती है। इवान उस आदमी से पूछता है कि क्या वह दोबारा अपनी दुनिया में जा सकता है। वह बर्फ में कैद आदमी इवान को बताता है कि उसके लिए उसको एक जादुई तलवार की जरूरत है। उस जादुई तलवार को सिर्फ एलोसिया का बेटा ही ढूंढ सकता है। वह बताता है कि मैंने एक बार उस तलवार को उठाया था जिसकी वजह से मैं अमर हो गया, पर नाइट्स ने हम पर अटैक करके हमें कैदी बना लिया। पर तभी हम देखते हैं कि जब उस रात को सभी लोग सो रहे थे तो कैद खाने में एक लड़की आती है। उस लड़की का नाम नेल्सी था। उस कैद खाने में विच अपने मैजिक से सभी गार्ड्स को बेहोश कर देती है। नेल्सी उस बर्फ में फंसे हुए आदमी को आजाद करने लगती है और उसके सभी बॉडी पार्ट्स को जोड़ देती है, और वो आदमी ठीक होने के बाद इवान को अपने साथ चलने को कहता है, क्योंकि उन लोगों का ये ख्याल था कि इवान उनके काम आएगा। अब इवान अपना सब सामान उठा ही रहा होता है तभी वो गलती से एक घंटी बजा देता है। उस घंटी के बजते ही बाकी गार्ड्स वहाँ पर आ जाते हैं, मगर नेल्सी सभी गार्ड्स से फाइट करती है और वो लोग सभी गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करके वहाँ से भाग जाते हैं। और जब ये बात क्वीन को पता चलती है कि कैद खाने में सभी कैदी आजाद हो गए हैं, तो वो उनको पकड़ने के लिए जाती है, मगर वो लोग बहुत ही दूर निकल गए थे। अगले दिन क्वीन ये सब कुछ किंग को बता देती है, मगर किंग को ये पहले से पता नहीं था कि उसके भाई को क्वीन ने कैद किया हुआ था, और इसीलिए अब किंग को लगता है कि उसके भाई ने उसके खिलाफ जाकर उस आदमी की हेल्प की है जिसको इन लोगों ने बर्फ में कैद किया हुआ था। दूसरी तरफ हम इवान, नेल्सी और कोसी को देखते हैं जो अब तीनों विच के घर पर आ गए थे, लेकिन यहाँ पर आकर भी इवान मुसीबतों को बढ़ा देता है और उस विच के घर को गलती से आग लगा देता है। विच इस बात से बहुत ही गुस्सा करती है, मगर कोसी उससे कहता है कि तलवार ढूंढने के लिए उन लोगों को इवान की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और इवान अपने सफर को बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहा था। इसके बाद वो लोग एक लेक पर पहुंचते हैं जहां पर प्रोटेक्टर से उनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब नेल्सी वहां पर पहले से उन लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, मगर जब ये बात उसको पता चलती है कि वो फ्रॉग की तरह दिखने वाला एक क्रिएचर है, तो वो पीछे हट जाती है। अब विच अपने आप को बहुत ही खूबसूरत लेडी में कन्वर्ट कर देती है। इससे प्रोटेक्टर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उन लोगों की हेल्प करने के लिए मान जाता है। पर तभी वहाँ पर क्वीन पहुँच जाती है और उसको ये बात पता चल जाती है कि फ्रॉग की तरह दिखने वाला वो क्रिएचर यानी कि प्रोटेक्टर उनकी हेल्प कर रहा है। क्वीन ये मैसेज अपने किंग को भेज देती है। दूसरी तरफ वो लोग एक गुफा में पहुँचते हैं जहाँ पर एक बड़ा सा जॉइंट क्रिएचर सोया हुआ था। वो लोग उसको बगैर डिस्टर्ब किए आगे जाने लगते हैं, पर तभी वहाँ पर इवान का फोन रिंग करने लगता है और वो क्रिएचर जाग जाता है और वो बहुत ही बड़ा दिखने वाला जॉइंट क्रिएचर इवान पर अटैक कर देता है। फिर नेल्सी उस फ्रॉग क्रिएचर को हेल्प करने के लिए कहती है। दरअसल वो एक नाइट है और जब ये बात इवान को पता चलती है कि वो एक जॉइंट लेडी है, तो वो उसको अपने शरीर से इम्प्रेस करने लगता है, जिससे वहाँ के सभी लोगों को निकलने का टाइम मिल जाता है। फिर वो लोग आगे जाते हैं तो वो एक लेक पर पहुँचते हैं। वहाँ जाकर कोसी उस फ्रॉग क्रिएचर से कहता है कि वो मछलियों को कंट्रोल करे ताकि वो आसानी से लेक को पार कर सके, मगर वो वहाँ के मछलियों से डर कर भाग जाता है। और इसी बीच कोसी और नेल्सी की फाइट होने लगती है, मगर नेल्सी वहाँ से चली जाती है। तभी नेल्सी के जाने के बाद कोसी इवान को उसकी स्टोरी सुनाता है और वो बताता है कि नेल्सी किंग को बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी, जिसकी वजह से क्वीन नेल्सी से जेलियस होती थी और वो नेल्सी से बदला लेने के लिए उसके सभी फैमिली मेंबर्स को फ्रॉग बना दिया। मगर विच ने फिर उसकी हेल्प की और क्वीन के मैजिक को रिवर्स कर दोबारा उन लोगों को इंसान बना दिया। जब इवान ये सारी स्टोरी सुनता है तो उसको बहुत ज्यादा दुख होता है। इसके बाद वो नेल्सी को मनाने के लिए एक रैबिट को उसके पास लेकर जाता है, मगर नेल्सी उस रैबिट से डर जाती है। तभी वो रैबिट क्वीन में बदल जाता है और साथ ही वहाँ पर क्वीन के गार्ड्स भी उनको घेर लेते हैं। गार्ड से बचने के लिए वे सभी लोग एक कुएं में कूद जाते हैं और उस एरिया को ब्लॉक भी कर देते हैं। और थोड़ी देर में वहाँ पर फ्रॉग क्रिएचर भी आ जाता है। वो विच को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है क्योंकि विच ने उसको धोखा दिया था, मगर वो क्रिएचर उन सबकी हेल्प करता है और क्वीन का सामना करने के लिए खुद अकेला वहीं पर रुक जाता है और क्वीन उस फ्रॉग क्रिएचर को मार देती है। दूसरी तरफ वो लोग बिल्कुल सही दूसरे रास्ते पर चल पड़ते हैं। इवान अपनी दुनिया में दोबारा जाना चाहता था, मगर नेल्सी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि वो इवान को पसंद करने लगी थी। फिर जब वो अगले दिन सोकर उठते हैं
तो क्वीन अपने गार्ड्स के साथ वहाँ पर मौजूद थी, मगर वहाँ पर नैल्सी क्वीन की गार्ड से मुकाबला करती है, मगर नैल्सी फाइट के दौरान ऊंचाई से नीचे गिर जाती है, मगर खुद को वो फ्रॉक में कन्वर्ट करके बच जाती है। अब क्वीन वहाँ से इवान को ले जाती है, मगर रास्ते में इवान इसको डिस्ट्रैक्ट कर वहाँ से भाग जाता है, और भागते हुए वो उस रास्ते पर पहुँच जाता है जहाँ पर बहुत ज्यादा तलवारें होती है। अब यहाँ पर क्वीन भी आ जाती है, वो अपने मैजिक से इवान पर अटैक करने लगती है, मगर इसी दौरान इवान के हाथ में असली तलवार आ जाती है और वो उस तलवार की वजह से क्वीन को आसानी से हरा देता है। इसके बाद वो तलवार को कोसी को दे देता है, मगर कोसी यहाँ पर उसके साथ एक धोखा करता है। वो इस तलवार को किंग से चेंज करना चाहता था, वो भी एक स्टोन के लिए। अब यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है कि इस मास्टरमाइंड प्लान के पीछे और कोई नहीं बल्कि किंग था। वो इस तलवार और स्टोन से अपने आप को अमर करना चाहता था, मगर वो किंग कोसी को धोखा देता है। जैसे ही वो किंग तलवार से कोसी पर अटैक करने लगता है, तभी नैल्सी वहाँ पर आ जाती है। नैल्सी उस पर अटैक करती है और तलवार को दूर फेंक देती है। अब इवन उस तलवार को उठाता है और जादुई रास्ता बनाकर अपनी असली दुनिया में आ जाता है, मगर यहाँ इवन अपनी असली दुनिया में आकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो सोचता है कि उसको नैल्सी को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था, इसीलिए अब वो दोबारा उसी स्लाइडिंग वाले रास्ते से उसी दुनिया में वापस चला जाता है। उसी समय कुछ गार्ड्स आकर उसको पकड़ लेते हैं। उधर दूसरी तरफ किंग अपना मैजिक कंप्लीट करने ही वाला था, तभी इवान वहाँ पर आ जाता है और किंग को गन से शूट कर देता है, लेकिन किंग को गन की बुलेट से कुछ भी नहीं होता और किंग इवान को मारने आता है। तभी वहाँ पर एक ड्रैगन आ जाता है और वो इवान की हेल्प करता है, जिससे कि इवान को नैल्सी को आजाद करने का टाइम मिल जाता है और वो नैल्सी को आजाद करवाता है। नैल्सी इवान को बताती है कि अगर वो किंग के स्टोन को तोड़ देगा तो किंग जल्दी ही मर जाएगा। अब इवान किंग को डिस्ट्रैक्ट करने लगता है। किंग अपनी तलवार साइड पर रखता है और इवान से फाइट करने लगता है, और दूसरी तरफ क्वीन और नैल्सी भी फाइट करने लगती है। यहाँ पर इवान को ये भी बात पता चलती है कि उसके फादर को किंग और क्वीन ने मिलकर पत्थर का बनाया था, और इसी फाइट के दौरान कोसी उस स्टोन को उठा लेता है। अब ऐसा लग रहा था कि शायद कोसी उस स्टोन को अपने लिए यूज करेगा, मगर वो अपनी तलवार से उस स्टोन को तोड़ देता है, जिससे कोसी और किंग की डेथ हो जाती है, और क्वीन ये देखकर वहाँ से भाग जाती है। अब उस किंग के मरने के बाद जितने भी लोगों को उन्होंने पत्थर का बनाया था वो दोबारा इंसान बन जाते हैं, जिसमें इवान के फादर भी थे। अब ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और बहुत ज्यादा खुश भी। इवान अब ये डिसाइड करता है कि वो अपने फादर के साथ इसी दुनिया में रहेगा, और बाद में वो नैल्सी से शादी भी कर लेता है। और एक दिन इवान वापस अपनी दुनिया में जाता है और उस बच्चे को जो कोमा में था उसे जादुई दवा पिलाता है, जिससे कि वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है, और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी और अगर आप इसका सेकेंड पार्ट देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसी और मूवीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।